अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं शीर खुरमा। इसके लिए हमें चाहिए सोयां एक कप, चीनी आधा कप, यहाँ पे अखरोट और बादाम है ये हमें 2 से 3 चम्मच चाहिए होंगे, ये खजूर है सूखी हुई जिसे आप जबान में खुरमा भी कहा जाता है, और ये हम लेंगे 2 अदद, ये खोया है, ये होममेड है, मैंने खुद तैयार किया है, ये तकरीबन 1 कप होगा, पानी हसब जरूरत, दूध 1 कप, इलायची 1 चम्मच। चलें स्टार्ट करते हैं। ये पैन में मैंने 4 चम्मच तेल डाल दिया है, अब सेवइयां डालेंगे। ये हल्का हल्का इनको भूनना है। एक 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें इलायची शामिल करेंगे। इसको भी कुछ देर के लिए भूनेंगे। अब देखें गोल्डन कलर आना शुरू हो गया, साथ ही हम पानी ऐड करेंगे। पानी के साथ थोड़ी नरम हो जाएंगी। सेवइयों को उस टाइम तक भूनेंगे जब तक इसके अंदर से सारा पानी खुश्क ना हो जाए। अब ये देखें यहाँ से खुश्क हो चुका है, अब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। और साथ ही चीनी ऐड करेंगे। ये खुश खजूर है या खुरमा दोनों का आ जा सकता है, ये ऐड करेंगे। उबाल आने तक पकाएंगे। इसमें उबाल आ चुका है, अब इसमें हम खोया शामिल करेंगे। जरा सा पकाएंगे। अब ये तैयार है, अब ये तैयार हो चुकी है। चूल्हे की हीट को हम खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसको डिश में निकाल। शीर खुरमा तैयार हो चुका है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।